अरे मोदी जी बैंगन का रेट दिया है, बैंगन का रेट बताना जरा। अरे योगी जी भगवान झूठ ना बुलवाए, 40 रुपए किलो बेच रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक रेट 30 रुपए किलो लगेगा। सुबह सुबह का बोनी का टाइम है, तुम्हीं से बोनी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सस्ता दे दे रहा हूँ। चलो ठीक है, आधा किलो बैंगन तोल दो आधा किलो बैंगन मोदी जी। लो ये रहे तुम्हारे आधा किलो बैंगन, सिर्फ 2 बैंगन चढ़ना है आधा किलो पर तुम्हारे। योगी जी सिर्फ 2, ये देखो। अरे मोदी जी जिस तरफ तुम्हारा आधा किलो को बांट रखा है उस तरफ अभी कांटा दब रहा है, अभी एक छोटा सा बैंगन और चढ़ जाएगा। 2 बैंगन नहीं, एक छोटा सा बैंगन और चढ़ाओ, कम तोल रहे हो तुम। मोदी जी कम तोले मेरे दुश्मन, राहुल बैठा है सामने, इससे पूछ लो। क्यों राहुल, देखो ये 2 बैंगन सही है कि नहीं है? बिल्कुल नोक पर तोल रहा हूं मैं। अरे योगी जी एक बैंगन नहीं चढ़ पाएगा, समझे? मुझे लगता है नहीं चढ़ पाएगा। अगर एक बैंगन और रख पाओगे तो 200 ग्राम का या 100 ग्राम का बाट लगाना पड़ेगा पीछे। इतने ही तुम्हारे 2 ही बैंगन चढ़ना है आधा किलो पे। अब तुम लेना चाहते हो ले लो, नहीं लेना चाहते हो मत लो। मेरे हिसाब से तो मोदी जी बिल्कुल सही तोल रहे हैं। अरे राहुल तुम भी बैठे बैठे मोदी जी की सिफारिश कर रहे हो, चलो दे दो, यही दे दो, 2 ही बैंगन से काम चला लूंगा। पैसे है नहीं, पैसे होते तो थोड़ा और बढ़वा लेता, एक किलो ले लेता। पैसे होते, अब पैसे है नहीं, इसीलिए आधा किलो लेना पड़ना है। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सेब ले लो, सेब सेब ले लो, सेब 50 रुपए किलो, सेब 50 रुपए किलो। अरे मोदी जी बड़ा अच्छे रेट लगा रहे हो, कहीं सड़े गले सेब तो नहीं है? बढ़िया सेब तो है, बहुत अच्छा रेट लगा रहे हो तुम। वहाँ ठेले पे तो अमित शाह 70 रुपए किलो बेच रहे हैं, बहुत अच्छा रेट लगा रहे हो। यहाँ पर आओ बैठो बैठो, मैं ले लेता हूँ तुम्हारे सेब। अरे राहुल तुम क्या लोगे सेब, सेब तो हम भी लेंगे। मोदी जी बैठो यहाँ पर, सेब दिखाओ जल्दी आकर, देखो दिखाओ हमें, सड़े गले तो नहीं है जो इतने सस्ता रेट लगा रहे हो? देख लो, बिल्कुल जी भर के देख लो, बिल्कुल अभी तोड़ के लाया हूँ मैं अपने पेड़ से, मेरा खुद का पेड़ है सेब का, अभी तोड़ के लाया हूँ। ये देखो हरा पत्ता भी लगा हुआ है सेब में, इसकी हरियाली देख लो। अरे मैं ठेले वालों की तरह थोड़ी हूँ जो मंडी से ला के बेचता हूँ, मेरा खुद का पेड़ है इसीलिए सस्ते बेचता हूँ, मनमाफिक बेचता हूँ, घर घर जाके बेचता हूँ। अरे मोदी जी ये 5 किलो सेब कर दो, 5 किलो सेब लूंगा, सेब बहुत बढ़िया है तुम्हारा। अरे 5 किलो तो नहीं है, इसी 4 या 4.5 किलो तक बैठेगा मेरे पास सेब, समझे? 5 किलो नहीं है, चलो जितना भी है ले लो तुम। अरे मोदी जी इसका मतलब सेब मुझे नहीं मिलेंगे, सारे सेब ये राहुल ले लेगा, फिर तो मुझे मिलेंगे ही नहीं। देखो सेब मुझे भी चाहिए, मैं तुमसे कह देता हूँ। योगी जी मैं शाम को तुमको ताजे ताजे तोड़ के ला दूंगा, अब तो ये सब राहुल ने ले लिए, इसके हो गए, पहले तुम बोल जाते तो तुम्हें दे देता मैं। अरे ये चालाकी किसी और को दिखाना मोदी जी के, शाम को ला दूंगा सेब। अरे खाने का मन हमारा अब है सेब को, हम शाम को क्यों खाएंगे? अरे हमें खाना होगा तो हम इस साल से महंगे नहीं ले लेंगे, फिर तुम्हारे क्यों लेंगे शाम को, 10-5 रुपए क्यों देखेंगे हम? अभी लाता हूँ मैं हम इस साल से सेब। अरे जरा से एक हफ्ते क्या सेब ले लिए राहुल ने, तुम तो दीवाने हो गए राहुल के। अरे योगी जी तुम तो नाराज हो गए, राहुल इसमें से यार 1 किलो सेब इन्हें दे दो, योगी जी को दे गुना दो, दे दो। देखो मोदी जी साफ बता देता हूँ मैं, अगर मुझे देना चाहते हो तो सब सेब दे दो, नहीं तो सारे के सारे सेब अपने पास रख लो, मैं नहीं लूंगा। अरे तुमने तो मुझे बुरा भांस दिया योगी जी और राहुल, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, अगर मैं योगी जी को नहीं देता हूँ तो वो नाराज हो जाएंगे, मेरा एक कस्टमर खत्म हो जाएगा, और राहुल तुम्हें नहीं देता हूँ तो तुम सारे सेब नहीं लोगे, क्या करूँ? चलो ठीक है राहुल तुम ही ले लो ये सारे सेब। और भाई लोगों जिसकी फसल जल गई थी वो सब लोग आ गए यहाँ पर, तो बताओ किसकी और कितनी कितनी फसल जली है, आपको मुआवजा मिलेगा, मैं इस चीज की जांच करने के लिए आया हूँ। सर जी क्या बताऊँ, सबसे पहले मेरी फसल लिख लीजिए कि मेरी फसल कितनी जल गई। 3 बीघे का खेत का एक टुकड़ा था मेरा जिसमें मैंने गेहूं की फसल लगाई थी, लेकिन सारी की सारी फसल जल गई। क्या नाम है आपका, आप अपना नाम बताओ, जमीन के साथ साथ अपना नाम भी बताते रहो सब लोग। सर जी मेरा नाम तो मोदी है, पूरा नाम नरेंद्र मोदी। अच्छा मोदी जी ये बताओ ये आग लगी कैसे, कैसे लग गई सबके खेतों में आग? अरे सब लोगों को मालूम है कि गेहूं की फसल इतनी नाजुक फसल होती है, किसने आग लगा दी? अरे सर जी ये पता चल जाता तो सारा का सारा डंडा उसी से ना ले लेते, पता ही नहीं चल पाया कि कैसे खेत में आग लग गई, और जब एक खेत में आग लगी तो सबके खेत जलते चले गए। इसका मतलब आग लगाने वाले का पता नहीं चल पाया, कोई बात नहीं आप अपनी अपनी फसल बताओ, अच्छा मुआवजा देगी सरकार आपको। अरे मम्मी जी चुप कैसे हो, बताओ ना अपनी फसल।
कितनी जली है। आप तो चुपचाप खड़ी हो, मोदी जी ने अपनी जमीन लिखवा दी, न लिखवा दी 3 बीघा, फिर ये सरजी चले जाएंगे, जल्दी लिखवाओ अपनी फसल 2 बीघा। मेरे बेटे अगर मैं चुप खड़ी हूँ, तू भी तो चुप खड़ा है, तू नहीं बता सकता फसल। सर जी 2 बीघा की गेहूँ की खेती हमारी भी चल गई, मेरे नाम में जमीन थी, मेरा नाम सोनिया है। चलो सोनिया जी कोई बात नहीं, 2 बीघा खेत है ना आपका, लिख लिया मैंने। सर जी क्या बताएं, ये गेहूं के खेत में अगर आग लग जाए तो ये बुझे से नहीं बुझती है और कई खेतों में लगती चली जाती है। जैसी हमारे ही देख लो, कम से कम 10 लोगों के खेत जल चुके। मेरी भी 2.5 बीघा की गेहूं की खेती जल चुकी है, मेरा भी नाम लिख लो लालू प्रसाद यादव। वैसे सर जी ये तो बताओ मुआवजा मिलेगा कितना, अगर किसी का 1 बीघा खेत जला है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? क्योंकि मेरा भी 1 बीघा खेत जल चुका है, मेरा नाम केजरीवाल है, मेरा नाम भी लिख लो। केजरीवाल जी आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो। अरे जितने भी किसानों का अगर नुकसान हुआ है, सरकार अच्छा ही मुआवजा देगी, इतना मुझे भरोसा है। फिर भी केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही पूछा है, अगर बता देते कि 1 बीघा जले हुए खेत का कितना रुपया मिलेगा तो थोड़ा दिल को सुकून मिल जाता। मेरी भी आधा बीघा गेहूं। मोदी जी आपने पंचायत पर सब लोगों को बुलाया है, लेकिन कम से कम कुर्सी तो डाल देते, तुमने नीचे जमीन पे बैठा दिया। लालू जी बात ही ऐसी थी, घर पर बात करने की थी नहीं, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर खेत पर बुलाया है। तो सब लोग आ गए, पंचायत की शुरुआत की जाए। हाँ मोदी जी बोलो ना, कब तक ऐसी बैठा ले रहोगे, मुझे धान की कटाई करने के लिए जाना है। अरे राहुल हर टाइम गुस्से में ही रहती हो, कम से कम बात तो सुन लिया करो। ऐसा है, मेरा कहने का ये मतलब है, इस साल सब लोगों की धान की फसल अच्छी हुई है, तो मैंने सोचा अपना सब लोग मिलकर क्यों ना एक भंडारा करा दें। सब लोग थोड़े थोड़े रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और एक अच्छा सा भंडारा करा के पूरे गांव वालों को खिला देते हैं। बताओ मेरे इस फैसले का कौन कौन समर्थन करता है? जबरदस्ती किसी से नहीं है, जो भंडारे में जितने भी रुपए देना चाहे वो दे सकता है, और जो कोई 1 रुपया भी ना देना चाहे तो उसका भी भला। मोदी जी मैं गाँव के भंडारे में 500 रुपए अपनी तरफ से सबसे पहले देता हूँ। मोदी जी अभी मेरी सही तरीके से धान की फसल कट नहीं पाई है, इसीलिए मैं पैसे तो जरूर दूंगा, लेकिन धान की कटाई के बाद 1000 रुपए मैं दे दूंगा। राहुल ये कोई चक्कर नहीं है, पैसे तो तुम्हें अभी देना पड़ेंगे, भंडारा परसों ही कराना है अपना लोगों को। मोदी जी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं भंडारे में पूरी बना दूंगा, पूरी बनाने में मेरा पूरा समर्थन रहेगा। अरे मोदी जी इस बार तुम जानते ही हो, मैंने आलू की फसल की पैदावार की थी और मेरी आलू की अच्छी पैदावार हुई है, इसीलिए मैं 1 क्विंटल आलू भंडारे में देता हूँ। और मोदी जी मेरे किराना स्टोर की दुकान है, मैं अपने किराना स्टोर की दुकान पे से भंडारे के लिए वनस्पति घी और मिर्च मसाले दे देता हूँ सारे के सारे। योगी जी और नीतीश कुमार जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, जो आप मेरे भंडारा कराने के समर्थन में आए और आपने आलू और मिर्च मसाले दिए। अब बस पूरी बनाने के लिए आटे का इंतजाम और हो जाए, कली को भंडारा करा देते हैं। कोई बात नहीं मोदी जी, आटा 1 क्विंटल मैं दे देता हूँ भंडारे के लिए। जब सब लोग भंडारे में कुछ ना कुछ दे रहे हैं, मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लेता हूँ। सब तो सब कुछ दे रहे हैं अखिलेश, लेकिन ये अमित शाह जी और केजरीवाल जी कैसे चुप बैठे अकेले में। चलो कोई बात नहीं, आज की पंचायत सफल हो गई, भंडारे का इंतजाम हो गया, कल को भंडारा कराते हैं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।